हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर गेमप्ले वीडियो। आज हम लोग दोपहर से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे ऑफ सर्वाइवल। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया था कि इस लास्ट डे रूल सर्वाइवल का लाइट वर्जन खेलो, तो फाइनली आज हम लोगों ने यहाँ पे लाइट वर्जन को डाउनलोड कर लिया है। आज हम लोग यहाँ पे लाइट वर्जन को एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखते हैं एक्चुअली इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको छोटी सी वीडियो होने वाली ऑलमोस्ट 10 मिनट के आसपास का। ठीक है, तो इसमें जितना भी हो सकता है मैं एक्सप्लोर करने का ट्राई करूँगा। उसके बाद इस वाले जो गेम है, जो लाइट वर्जन है, इसका भी गेम प्ले ज़रूर आएगा आपके पास। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इस वीडियो में जरूर तक एंड तक ज़रूर बने रहना, तभी आपको इसमें सब कुछ पता चलने वाला है एक्चुअली लाइट वर्जन में होता क्या है और अपने जो ओरिजिनल जो है लास्ट डे रूल सर्वाइवल दोनों में क्या फ़र्क होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना आईडी क्रिएट कर लिया है सब YT के नाम से। ठीक है, अगर आप लोग खेलना चाहते हो मेरे साथ तो इस वाले आईडी के ऊपर भी आप मेरे को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो जो लोग यहाँ पे लाइट वर्जन खेलते हो। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट होने वाली हैं जो कि यहाँ पे देख सकते हो, जो अपने को जो मेन वाला जो गेम है जो कि बड़ा वाला, वहाँ पे आप लोग को ये वाला जो टोकन मिलता था स्किन कोपन जिसको आप लोग यूज़ कर पाते थे, बहुत कम यहाँ पे चीज़ों में यूज़ करके उसको हम बाय कर सकते थे। बट इस वाले गेम में लाइट वर्जन में क्या है कि आपको उस स्किन कूपन के वजह से आप अच्छे अच्छे यहाँ पे स्किन्स वगैरह यहाँ पे बाय कर सकते हो। यहाँ पे गन्स की भी स्किन्स आपको मिल जाएगी जो कि स्किन कूपन से बाय कर पाओगे। ठीक है, तो अभी इसका टाइम स्टॉप है, ठीक है, टाइम लिमिटेड है, देखते हैं कब तक रहता है। अगर अच्छा खासा अगर इकट्ठा हो गया तो हम लोग भी इसको जरूर बाय करेंगे। ठीक है, तो एक दो सर्वर इसका जरूर मैं खेलने वाला हूँ लास्ट डे रूल सर्वाइवल का। और यहाँ पे टिकट भी यहाँ पे देख सकते हो जो कि अभी मेरे पास 0 टिकट है। मैं यहाँ पे कुछ टिकट वगैरह नहीं बाय कर रहा हूँ। जब मैंने यहाँ पे देखा कि ग्लाइडर वगैरह, तो जो ग्लाइडर वगैरह है आपको इसलिए आपको ट्रेड टिकट से आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ट्रेड टिकट से कैसे बाय करना होगा वो भी आगे चल के आपको वीडियो आने वाला है इन सभी चीज़ों का, क्योंकि आगे चल के इसका पूरा डिटेल में मैं आपको वीडियो बना के दूँगा। ठीक है, ये बेसिक सा जो वीडियो हो रहा है ये वही मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो, तो मैंने ग्लाइडर वगैरह सब कुछ यहाँ पे चेक कर रहा हूँ यहाँ पे एक्चुअली कितने अमाउंट में क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे स्किन कूपन अगर आपके पास है तो इसलिए आप लोग यहाँ पे अपना जो स्किन्स वगैरह है इसलिए यहाँ पे बाय कर सकते हो। उसके बाद मैंने ट्राई किया ऑपरेशन बेस खेलने के लिए। ठीक है, तो मैं अपना ऑपरेशन बेस यहाँ पे चालू करते हैं, देखते हैं ऑपरेशन बेस में अपने वो कौन सा बेस और किस तरह मिलता है, क्योंकि अपना जो ओरिजिनल वाला जो मैप है, जो ओरिजिनल गेम है, उसमें अपने को मिलता था पूरे आयरन में अपग्रेड होता था। बट इस वाले मैप के अंदर आपको पूरा वुडन का एक रूम मिलेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे फर्निश वगैरह भी उसमें लगे हुए होते थे, बट इसमें आपको फर्निश वगैरह इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। आपको इजीली सब कुछ यहाँ पे अपना लेवल कंप्लीट करना है, लेवल वाइज कंप्लीट करोगे जैसे वैसे आपको इसमें सब कुछ रिवॉर्ड में मिलते जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे ऑपरेशन बेस में लॉगिन कर चुका हूँ और मैं यहाँ पे स्पॉन हुआ हूँ अपने बेस के अंदर। एक्चुअली मैं बेस के बाहर स्पॉन हुआ था। ठीक है, तो जस्ट मैंने बेस के अंदर आया हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ मैंने क्लेम वगैरह कर रखा है। एक दिन मैंने इसको ओपन कर रखा था, तो मैंने सेकेंड डे का भी यहाँ पे क्लेम कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक फर्नेस है, तो फर्नेस को भी क्लेम करके यहाँ पे लगा देता हूँ। और साथ में मैं आपको बताता चलूँ कि इस वाला जो गेम है, जो ये बेसिकली जो लाइट वर्जन है, बहुत ज़्यादा आपको बोल सकते हैं कम MB का है, 1 GB का है। आपको इजीली आप इसको किसी भी डिवाइस पे यूज़ करके चला सकते हो। इसका मैं ट्राई करूँगा देखूँगा, और छोटे वर्जन में चल जाएगा, छोटे 1-2 GB फोन में है तो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जब मैंने इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ मैंने नोटिस किया, एयर ड्रॉप हो गया और साथ में सिप हो गया और साथ में हैली हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हटा दिया गया है, आपको एयर ड्रॉप तो है, हैली हैली है, बट आपको इसमें सिप आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जो अपने को जो मेन जो गेम है, बड़ा वाला जो गेम है, तो उसमें आपको किल सिप मिलेगा। आपको लाइट वर्जन में कोई भी सिप वगैरह नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस किया था, एक गेम मैंने ओपन किया था, ठीक है, इसी का सर्वर रैंक सर्वर था जो कि 7 डेज का है, बट उसमें लूट क्या मिल रहा है मैं आपको वो भी डिस्कस कर देता हूँ। साथ में उसमें लूट जो मिलने वाला है आपको सेम टू सेम ब्लडी सर्वर का मिलने वाला लूट है। ठीक है, जो कि जितना लूट आपको ब्लडी सर्वर में मिलता है उतना ही आपको रैंक सर्वर में मिलेगा, जो कि अपना रैंक सर्वर होगा 7 डेज का। ठीक है,
जब 7 डेज में अच्छे खासे सर्वाइव इजली आप कर पाओगे, जब किसी एनिमी को आप अच्छे खासे किल करोगे तो आप इसमें मोस्ट डेंजरस आपके प्लेयर का टैग मिलता है, जो कि आपके कोई भी बंदा आपके पास होगा तो आपके आसपास, तो आपका जो लोकेशन है उस बंदे के पास रिवील हो जाएगा कि आपको आपके आसपास कोई मोस्ट डेंजरस प्लेयर यहाँ पे खेल रहा है, तो प्लीज़ उससे आप दूर हो जाओ। ऐसे करके ऊपर एक मैसेज करके आता है, ठीक है, वो जब हम गेम प्ले वगैरह करेंगे तो वो सब कुछ मैं आपको दिखा दूँगा कैसे आपको यहाँ पे शुरू करता है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे ट्राई करूँगा और यहाँ पे मैंने कुछ रेसिपीज वगैरह मिला है, तो रेसिपीज वगैरह को हम लोग बाद में इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आपको साथ में आपको बताता चलो कि इसमें जो अपना मोस्ट डेंजरस का टैग, ऐसे आपको 3-4 नाम शो करते हैं, अगर आप इजीली एक बार भी किल नहीं हो पाते हो लगातार आपने 7 से 8 बंदे को आपने किल किया है, ठीक है, 7 से 8 ही, तो बेसिकली आप मानते हो 10 से 15 बंदे को किल किया है, तो वहाँ पे आपको टैग मिलने वाला है मोस्ट एक्सट्रीमली डेंजरस जोन करके आपको टैग मिलेगा, जो भी बंदा आपके आसपास होगा वो टैग दिखेगा उस बंदे को और आपका लोकेशन भी दिखेगा कि आप कहाँ पे हो एक्चुअली, ठीक है। अगर वो बंदा आपके पास आता है तो आपको नहीं पता चलेगा बट बंदे को पता होगा आपके लोकेशन, आप कहाँ पे हो, ठीक है, ये चीज़ होता है इस गेम में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली वो सारा कुछ हम लोग मेन सर्वर में हम लोग देख पाएंगे, तो फाइनली हम लोगों ने ट्रेड जोन वगैरह भी जाके यहाँ पे ऑपरेशन बेस में सब कुछ सेम है, सिमिलर है, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेज वगैरह नहीं है, बट आपको केवल इसमें आपको एक चीज़ नहीं मिल रहा है, वो है आपको सिप, और बाकी सब कुछ सेम ही है, और कुछ गन्स वगैरह जैसे हॉर्स वगैरह टेम करते थे, इस लाइट वर्जन में हॉर्स वगैरह टेम नहीं कर सकते हो। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो ये बेसिकली एक न्यू गेम है, जो कि अपना न्यू कैरेक्टर है, इसमें सब कुछ नया है, अपने सब धीरे धीरे इसमें अपग्रेड कर लेंगे इसमें भी, ठीक है, जितना अच्छे से खेलेंगे उतना अच्छे से इसको भी अपग्रेड कर सकते। डैमेज वगैरह भी सेम ही है जो आपको उस वाले सर्वर में ऑलमोस्ट सेम बोल सकते हो, बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें हटा दिया गया है जो कि आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा, ठीक है। आई होप कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया था लास्ट डे रूल सर्वाइवल का लाइट वर्जन के लो, तो फाइनली मैंने अब डाउनलोड कर लिया, अब इसका भी गेम प्ले आपको जल्द ही आपको मिलने वाला है। आई होप कि आपको जरूर से आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, तो ये वीडियो जरूर से आपको पसंद आया, तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।